फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खजूर और कैरेट का केक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 8-10 खजूर लिया, उसको सीडलेस कर दिया। सीडलेस करने के बाद इसको छोटा छोटा काट भी दिया, और ये दालचीनी का पाउडर है, दालचीनी को पीस लिया मैंने, पीसने के बाद छान भी दिया। 1 कप मैंने गाजर लिया, वो ग्रेटेड है। 1 कप ही आटा लिया, हम मैदे का यूज नहीं करेंगे। 1/2 कप मैंने घी लिया, घी तेल जो भी आप पसंद करते हैं, बटर वो आप डालें। 1/2 कप दही है, 3/4 कप पीसी हुई चीनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, दूध हम आवश्यकता अनुसार यूज़ करेंगे। 1/2 कप ही मैंने मिल्क पाउडर लिया, 1 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और गाजर है, ये भी 1 कप है ग्रेट की हुई। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये वनीला एसेंस है, और पिंच सॉल्ट का हम टेस्ट देंगे। अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दही, चीनी और मेल्टेड बटर, इन तीनों को अच्छे से बीट कर लें। ये सारे तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। आटा, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर, पिंच सॉल्ट, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, इन सबको अच्छे से छान दें। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करें और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। अब इसमें ग्रेटेड कैरेट डाल दें। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिश्रण को मिक्स करते जाएंगे। फिर ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, दालचीनी का पाउडर, खजूर, टिन को ग्रीस कर दिए, अवन को प्री हीट करना रख दिए। अब हम उसमें इसको सेट कर देंगे। बैटर तैयार है, अब मैं इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करूंगी। केक तैयार है, इसको थोड़ी देर में डीमोल्ड करेंगे। मैं केक को डीमोल्ड कर रही हूं। वाह, कितना बढ़िया शानदार केक बना है हमारा। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और डिलीशियस बना है। आप भी मेरी रेसिपीज को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।